नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को ज़रूर दबाइए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत खास तौर से चांद का व्रत होता है। दोस्तों, महिलाएं चांद को देखकर अर्घ्य देखकर पूजन करके ही अपना व्रत खोलती है। यही कारण है कि दिन भर के व्रत के बाद जैसे जैसे पूजन का समय नज़दीक आता है, वैसे वैसे चांद निकलने का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से किया जाता है। हर किसी की पूजा का समय जो है विशेष होता है। ठीक ऐसे ही करवा चौथ में चांद की पूजा करने का भी विशेष मुहूर्त होता है। करवा चौथ पर इस बार महिलाओं को पूजा के लिए 1 घंटा और 16 मिनट का वक्त मिलने वाला है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रखा जाता है। दोस्तों, ये पर्व पति की लंबी आयु के लिए रखे जाने वाला ये व्रत चंद्रोदय व्यापिनी तिथि में करना चाहिए। इस बार करवा चौथ का व्रत 8 अक्टूबर को है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 8 अक्टूबर को शाम 4:58 पर हो जाएगा। दोस्तों, इस तिथि का समापन 9 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे पर होगा। दोस्तों, इस अवधि में शुभ की चौगड़ियाँ और सूर्य की होरा रहेगी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। चतुर्थी के देवता भगवान गणेश है। इस व्रत में गणेश जी के अलावा शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं और चावल के तेरे दाना हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। मिट्टी के करवे में गेहूं, ढक्कन में चीनी और उसके ऊपर वस्त्र आदि रखकर सास जेठानी को देना चाहिए। रात में चंद्रमा उदय होने पर चलने की ओट में चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलना शुभप्रद रहता है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने अर्जुन के लिए ये व्रत रखा था। यही व्रत रखने वाली स्त्री को दोस्तों लाल रंग के कपड़े ही पहनना विशेष फलदायी होता है। इस दिन आपको करवा चौथ की पूजा का टाइम है दोस्तों 5:54 से लेकर 7:30 तक शुभ रहेगा। इस दौरान आप करवा चौथ की पूजन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।